और दोस्तों इस किले को दिल्ली का पांचवा शहर भी बोला जाता है, ठीक है, कहा जाता था पहले भी और अब भी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत ही गहरी बावली बनी हुई है जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त आपके अपने चैनल में सक्की मंजिल। आज मैं आया हूँ कोटला फिरोजशाह किला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल ही बिल्कुल, मैं उसके जस्ट गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अब इसका टिकट मैं लेकर फिर हम अंदर की तरफ जाऊँगा, फिर मैं अपना सफ़र स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जस्ट गेट के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और हमारा टिकट यहाँ से मिलेगा। पहले हम टिकट ले लेते हैं फिर हम अंदर की साइड। दोस्तों मैंने फाइनली अपना टिकट ले लिया है, आप देख सकते हैं 25 रुपये का टिकट है, मैंने अपना टिकट ले लिया है, अब हम अंदर की साइड चलते हैं। चलिए सो दोस्तों, फाइनली मैं किले के अंदर आ चुका हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा एरिया, और ये आप जो पीछे देख रहे हैं सारे खंडर, ये 15-15 मीटर ऊँची दीवारें हुआ करती थी। ठीक है, मैं आपको पूरा नज़ारा कराता हूँ, चलता हूँ अंदर की साइड। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो आप पूरे देख रहे हैं ये सब, ये 15-15 मीटर ऊंची दीवारें हुआ करती हैं जो अब टूट चुकी है पूरी। और ये सामने जो खाली मैदान है, और दोस्तों आप जो ये पूरा मैदान देख रहे हैं, यही वो मैदान है यहाँ पे फिरोजशाह तुगलक का सभा लगती थी पूरी, उनकी आम पब्लिक के लिए उनकी सुनवाई हुआ करती थी यहाँ पे, और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटला फिरोजशाह, ये बना था 1351 से लेके 1388 तक इसे बनने में टाइम लगा था, और यहीं पर ही पूरी दरबार लगती थी इनकी। सो दोस्तों, आप जो भी आसपास के पूरा इस सभा के आसपास जो ही खंडर देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर जब उस टाइम पर जो सेना आती थी, उनके जो सेनापति हुआ करते थे, वो लोग इस कमरों के अंदर आराम किया करते थे, और उसके बाहर यहाँ सभा लगती थी पूरी। अब चलिए हम अंदर की साइड चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना पुराना बेहतरीन मजबूत किला है ये। इस किले को कम से कम 700 से 750 साल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी हैं, अगर अंदर तक मैं लेके जाऊँ आपको, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। ये देखिए बहुत सारी गुफाएं भी हैं यहाँ पर। ये बहुत ही बड़ा किला माना जाता है अपने अंदर ही, आप देख सकते हैं। जब ही इसका नाम पांचवा शहर पड़ा गया था उस टाइम पे, ये किला अपने आप के अंदर ही बहुत बड़ा किला है ये। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इस किले की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये इस किले को तुगलक वंश के तीसरे बादशाह यानी कि फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था। वो तुगलक वंश के तीसरे बादशाह थे, पहले बादशाह थे ग्यासुद्दीन तुगलक जिन्होंने तुगलकाबाद किला बनाया था, दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक, अदिलाबाद किला बनवाया था, और जो तीसरे बादशाह थे यानी कि फिरोजशाह तुगलक, उन्होंने फिरोजशाह तुगलक किला बनाया था जिसके अंदर मैं इस टाइम बैठा। और दोस्तों इस किले को दिल्ली का पांचवा शहर भी बोला जाता है, ठीक है, कहा जाता था पहले भी और अब भी कहा जाता है, लेकिन लोग बाग जानते नहीं हैं, ठीक है। और उन दोनों जो किलों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी, लेकिन इस किले के अंदर फिरोजशाह तुगलक ने एक बहुत बड़ा कुआँ बनवाया था, जिस कुएँ को मैं आपको दिखाऊँगा, जो आज भी यूज़ किया जाता है, जिससे आज भी पानी पिया जाता है और वज़ू भी किया जाता है। इस किले के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है, जामा मस्जिद जिसका नाम है, मैं आपको मस्जिद भी दिखाता हुआ चलता हूँ। चलिए अब मैं आगे की साइड चलता हूँ। दोस्तों जामा मस्जिद के अंदर आज भी नमाज़ होती है हर जुम्मे के दिन, जैसे कि अब असर का टाइम हो रहा है, मैं भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, अभी टाइम है, वक्त है हमारे पास थोड़ा। और यहाँ पर एक लट वाले बाबा भी रहते हैं, कहा जाता था कि वो जिन्नात थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुरादें ही पूरी करते हैं लोग बाग आके, चिट्ठी लिख के अपनी रख के जाते हैं, उसके अंदर इच्छाएं वगैरह लिख के जाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए मैं अपना आगे का सबक शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, ये लट वाले बाबा के नाम जो मैंने आपको बताया था, ये उन्हीं का पूरा किला बना हुआ है, आप
आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। और उसके जस्ट बराबर में जामा मस्जिद हमारी, अब हम इसके अंदर की साइड चलेंगे। चलिए तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। मैं इस टाइम मस्जिद के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह की फैसिलिटी है। अभी भी आज भी इस टाइम भी टाइम वगैरह सब है। 5:45 पर असर की नमाज़ हुई है, जोहर की नमाज़ भी यहाँ पे 2 बजे थी आज, यानी कि जुम्मे की नमाज़। और मगरिब की नमाज़ होती है यहाँ पर खाली, मगरिब तक जो 7:15 बजे होती है। ईशा की नमाज़ यहाँ पर नहीं होती है। मैं पूरी मस्जिद आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए दोस्तों। ये हमारी मस्जिद है पूरी, एक टाइम वगैरह सब है, या बच्चा खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये पूरा मस्जिद का इलाका हमारा, पूरी शफ लगती है यहाँ पे इधर। और ये सामने बिल्कुल हमारा स्टेडियम है। तो दोस्तों, मस्जिद का मस्जिद से थोड़ा आसपास का नज़ारा कराता हूँ। जो तुगला फिरोजा कोटला की मस्जिद है हमारी जामा मस्जिद, उसके आसपास का थोड़ा नज़ारा कराता हूँ आपको। मैं देखिए मेरे पीछे जस्ट पूरा मस्जिद है हमारी, जहाँ मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है। ये उसके आसपास के पूरे कमरे जो उस टाइम पे बने होते होंगे आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया है हमारा, ये पूरा खंडहर हो चुका आप देख सकते हैं। और ये पूरा उसका गार्डन है आसपास का, पूरे किले का गार्डन है आसपास का। ये जब इसे पूरा शहर कहा जाता था, आप देख सकते हैं सामने भी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा किला है हमारा। ये पूरे कमरे हुआ करते थे उस टाइम पे, जो अब टूट चुके पूरे आप देख सकते हैं। और ये हमारी मस्जिद है माशाल्लाह, जो अभी भी तामीर है पूरी। यहाँ 3 वक्त की नमाज़ होती है। तो दोस्तों, ये वही लट वाले बाबा का पूरा मज़ार जो बना है, जहाँ लोग बाबा अपनी चिट्ठी लिख के जाते हैं और पूजा मतलब कुछ मांगते हैं, जिन्हें जिन्नात भी कहा जाता था। ये उन्हीं का पूरा मकबरा बना हुआ अंदर, ये इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, इसे लॉक कर रखा पूरा। मैं आपको उसका पूरा चारों तरफ से नज़ारा करा रहा हूँ उस टाइम। देखिए दोस्तों, ये पूरा ऊपर तक नज़ारा है। ये ऊपर एक लंबा सा खंभा भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये पूरा ऐसा था। और इसके पूरे आस चारों तरफ गार्डन है। तो दोस्तों, फाइनली मैं अब आपको इस फिरोजा कोटला के किले की बावली की तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि बाकी पहले के जो 2 किले थे वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, इसी वजह से फिरोजा कोटला ने मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बावली बनाई थी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए मैं इसे आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये वही बावली जो मैंने आपको दिखाने का मैंने कहा था, आज भी पानी इसी के अंदर से लिया जाता है जहाँ तक जानकारी मिली है मुझे। शायद इसके अंदर जाने की इजाज़त तो होगी नहीं, आप देख सकते हैं पंप वगैरह सब लगा हुआ अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखिए इसी के अंदर से आज भी पानी निकाला जाता है पंप के ज़रिए। मैं आपको पास से पूरा नज़ारा कराता हूँ। शायद ये लोक है हमारी, हम अंदर जा नहीं सकते हैं, वरना मैं आपको अंदर से नज़ारा कराता। लेकिन मैं कोई नहीं, मैं बाहर से आपको नज़ारा कराता हूँ इसका पूरा। तो दोस्तों, मैं फाइनली पूरा घूम के आ चुका हूँ बावली के। और ये पूरे साइड में पूरी बाउंड्री हुई है पूरे किले की, आप देख सकते हैं। ये पूरी बावली को मैं घूम के आ चुका हूँ, यहाँ से वो साफ दिखाई दे रहा है, देखिए अंदर से। ये बहुत ही गहरी बावली बनी हुई है जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है। आज ही पानी 700 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए, और आज भी इस यहाँ से पानी निकाला जा रहा है।
आप सोच सकते हैं कितनी गहरी बावली। सो गाइस, मैंने मेरे पीछे जो बावली है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, उसे दिखाया भी है, अंदर से दिखाने की कोशिश की है। और सुबह से मैं उसका पानी पी रहा हूँ, जो 700 साल पुराना पानी यहाँ से निकाला जा रहा है, जो पानी मीठा पी, उसी से मैंने वजू भी किया है। मैंने आपको पूरा फिरोजशाह कोटला का पूरा किला दिखा चुका हूँ पूरा। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस टाइम, वो अशोक स्तंभ, जो लट वाले बाबा थे, मैंने उनके बारे में भी आपको बताया और अशोक स्तंभ भी पूरा दिखा चुका हूँ, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ की जामा मस्जिद दिखाई है। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार, यानी कि इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में और फिरोजशाह कोटला के किला के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।